हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल साइको स्टडी आई एम निशु रावल एंड इन दिस चैनल यू विल गेट द इनफॉर्मेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस ऑफ साइकालॉजी ऑनर कोर्सेज ऑफ इग्नू एंड आई होप दैट यू विल लाइक द कंटेंट सो बिफोर जंपिंग टू द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल एंड हिट हेलो एवरीवन तो लास्ट वीडियो में हम बी पी सी सी वन जीरो टू की यूनिट थ्री द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और हमने स्पाइनल कोड को कवर कर लिया था कि स्पाइनल कोड का क्या स्ट्रक्चर है क्या फंक्शन है स्पाइनल कोड के और इस वीडियो के इस पार्ट में हम ब्रेन को कवर करेंगे कि ब्रेन के क्या स्ट्रक्चर है क्या फंक्शंस है कौन कौन से पार्ट है वो पार्ट्स क्या फंक्शन करते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो बिना देर लगे स्टार्ट तो कर देते हैं द ब्रेन इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द सी एन एस ब्रेन जो हमारा ब्रेन है वो कहाँ पर लोकेटेड है हमारे हमारा ब्रेन लोकेटेड है सी एन एस के टॉप पर यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सबसे टॉप पर इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई द स्कल एंड इट इज़ इंटरकनेक्टेड विद द बॉडी थ्रू द ब्रेन स्टेम रीजन टू द्पाइनल कोड अब जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ही जेलीलैक्स स्ट्रक्चर है और बहुत ही डेलीकेट स्ट्रक्चर है इस वजह से वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जाता है हमारे स्कल से यानी कि हमारे जो सर की बोन्स हैं जिसे स्कल का जाता है उससे उसे प्रोटेक्ट करा जाता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करा जाता है एंड इट इज़ इंटरकनेक्टेड विद द बॉडी और हमारा ब्रेन हमारी बॉडी से कनेक्टेड कैसे रहते कैसे है हमारी ब्रेन स्टैम के थ्रू जो कि हमारे स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होती है जैसे कि इस एलिस्ट्रेशन में आपको दिख रहा है कि हमारा ब्रेन है और ये स्कल से प्रोटेक्ट करा गया है अब ये जो हमारी बॉडी है इससे हमारा ब्रेन कैसे कनेक्टेड है इस ब्रेन स्टेम से इस ब्रेन स्टेम से ये हमारा ब्रेन है और ये ब्रेन स्टेम है जो कि स्पाइनल कोड से कनेक्ट हो रही है और फिर हमारा जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी से हमारी कनेक्ट हो पा रहा है इस ब्रेन स्टेम के थ्रू ये हमारा ब्रेन है द पी एन एस यानि कि पैरीफेरियल नर्वस सिस्टम एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्रेन टू द रीजन्स थ्रू आउट द बॉडी एंड बैक अगेन सेंस एंड रिसीव्स न्यूरल सिग्नल्स दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पेन प्रेशर टच मूवमेंट स्मेल एट्सेट्रा और जो 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 हमारा पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम है वो भी हमारे ब्रेन से ही एक्सटेंड होता है ब्रेन से ही निकलता है और जो 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 हमारी पूरी बॉडी उन सब रीजन तक जाता है हमारे पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम और हमारी बॉडी में जितनी भी सेंसेशन हम रिसीव करते हैं जितने भी सिग्नल्स जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर पाते हैं उन सबको लेकर के हमारे ब्रेन तक आते हैं और ब्रेन से वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के हमारी पूरी बॉडी तक जाता है तो ये पूरा सिस्टम भी हमारे ब्रेन के थ्रू ही होता है द कोर्टेक्स और नियो कोर्टेक्स इज द इज द सीट ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन एंड सेंसरी प्रोसेसिंग जो कोर्टेक्स और जो नियोर कोर्टेक्स है यानी कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो कि कॉग्निशन को वर्क करते हैं यानी कि कोगनीशन का रिस्पॉन्सिबल होता है कॉग्निशन के लिए वो क्या है सेट ऑफ इज द सीड ऑफ ह्यूमन कॉगनेशन एंड सेंसरी प्रोसेसिंग जितनी भी सेंसरी प्रोसेस हैं वो सब इसी के थ्रू हो पाती हैं कोटेक्स के न्यू कोटेस के थ्रू तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन में अब ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं और उनके क्या फंक्शन है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे बट पहले हम पढ़ेंगे प्लेन्स ऑफ द ब्रेन ब्रेन के क्या क्या प्लेन्स हैं यानी कि स्लाइजेज में ब्रेन कैसे हैं तो ब्रेन है उसको हम कट करें यानी कि अगर हम ब्रेन को ब्रेन को कट करते हैं उसके टर्मिनो टर्मिनोलॉजी स्टडी करने के लिए फिर ब्रेन के फ्रंट पार्ट को क्या कहते हैं फ्रंट ब्रेन के बैक पार्ट को क्या कहते हैं अपर पार्ट को क्या कहते हैं लो बॉटम पार्ट को क्या कहते हैं तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी समझने के लिए हम ब्रेन को स्लाइज करते हैं यानी ब्रेन को कट करते हैं स्लाइज में प्लेन्स में तो ये क्या होती है पूरी चीज़ ये हम अभी पढ़ेंगे तो ब्रेन को हम कैसे स्लाइज करते हैं द ब्रेन इज स्लाइज्ड यूजिंग थ्री प्लेन्स हम थ्री प्लेन्स से ब्रेन को स्लाइज करते हैं यानी कि थ्री तीन तरीके होते हैं जिससे हम ब्रेन को स्लाइस करते हैं कि ब्रेन के पार्ट्स को स्लाइस करते हैं द थ्री प्लेन्स आर जो थी जो तीन प्लेन्स हैं वो कौन कौन से स्लाइजिंग साइड वे अक्रॉस द ब्रेन सो दैट द लेफ्ट एंड राइट हेमस्फेयर आर एक्सपोज इज नोन एज एक्जियल स्लाइस इट इज ऑल्सो नोन एज हॉर्जोंटल स्लाइस बिकॉज इट इज़ अ हॉरिजोटल कट अक्रॉस द ब्रेन तो क्या होता है ये हॉरिजोटल प्लेन या एक्जियल स्लाइस देखो आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है इस इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा कि क्या हॉरिजोनटल प्लेन होता है कौन सा सेगिटियल प्लेन होता है कौन सा कोरोनल प्लेन होता है तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि तीन प्लेन्स होते हैं यानी कि तीन तरीक़ों से ब्रेन को कट करा जाता है उनके पार्ट्स को एक्सपोज करने के लिए जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा हॉरीजोंटल प्लेन हॉरिजोनटल प्लेन में क्या होता है कि ब्रेन को हॉरीजोंटली कट किया जाता है हॉरीजोनटली इससे क्या होता है कि हमें जो ब्रेन का लेफ्ट हैमिस्फेयर और राइट right हैमिस्फेयर दोनों ही दिखते हैं यानी कि हमें लेफ्ट हैमिस्फेयर और जो पीछे उधर राइट हैमिस्फेयर है वो भी एक्सपोज होता है दोनों एक्सपोज होते हैं और हम दोनों के ही बारे में पढ़ पाते हैं दोनों की रिसर्च कर पाते हैं और ये टली कट होता है इसलिए इसे हम हॉरिजोनटल प्लेन भी कहते हैं द सेकेंड वे इज टू स्लाइस ब्रेन द सेकेंड वे इज टू स्लाइज ब्रेन इज सेगिटल द सेगिटल वर्टिकली फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड अब सेगिटल या फिर सेगिटल प्लेन क्या होता है जैसे कि आपको इलेट्रेशन में दिख रहा है ये है सेगिटल प्लेन ये ब्रेन है और इस तरीके से हमने ब्रेन को स्लाइस किया है वर्टिकली ये ब्रेन है और ये ब्रेन का राइट right हेमस्फेयर ये लेफ्ट हैमिस्फेयर और हमने इसे वर्टिकली कट कर दिया यानी कि लेफ्ट हेमस्फेयर अलग राइट right हेमस्फेयर अलग दोनों हेमस्फेयर्स को अलग कर दिया तो ये क्या था कट ये है सेगेटियल प्लेन सेगेटियल प्लेन यानी कि सेगटियल स्लाइज इसमें हमने लेफ्ट साइड और राइट right साइड दोनों को अलग कर दिया इसे बोलते हैं सेगेटियल प्लेन अब नेक्स्ट क्या है कोरोनल प्लेन तो कोरोनल प्लेन में क्या है ये ब्रेन है और ब्रेन को हमने बीच में से कट कराया जिससे हमने ब्रेन के फ्रंट पार्ट को ब्रेन के बैक पार्ट को अलग कर दिया यानी कि ब्रेन का फ्रंट पार्ट है ये ब्रेन का फ्रंट पार्ट है हमने इसे अलग कर दिया और ब्रेन के लास्ट पार्ट को अलग कर दिया तो ये होता है कोरोनल प्लेन में जिसमें हम ब्रेन के फ्रंट पार्ट को ब्रेन के लास्ट पार्ट को अलग कर देते हैं द थर्ड इज द कोरोनल स्लाइस वैन द ब्रेन इज स्लाइज वर्टिकली फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द ब्रेन टू द बैक जिसमें हम फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को अलग कर देते हैं तो आई होप कि आपको समझ में आऊगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम हॉरिजॉन्टली ब्रेन को कट करते हैं जिससे कि हमें जो ब्रेन है उसका लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर दोनों ही दिखते हैं उसमें अपर पार्ट से भी और लोअर बॉटम पार्ट से भी हमें लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर दोनों ही शो होते हैं और जो सर्किटल प्लेन है उसमें हम लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर को अलग कर देते हैं इसमें हम वर्टिकली ब्रेन को कट करते हैं और कोरोनल प्लेन में भी वर्टिकली ब्रेन को कट करते हैं बट इसमें क्या होता है कि हम ब्रेन के फ्रंट पार्ट को और ब्रेन के बैक पार्ट को दोनों को अलग करते हैं इसमें सरफेस और बॉटम को अलग करा जाता है जिससे कि हमें लेफ्ट हेमिस्पेयर दोनों हेमस्पेयर जो है तो शो होते हैं और इसमें हेमिसपेयर्स को ही बीच में से कट कर दिया जाता है इससे हम दोनों हेमस्पेयर को अलग कर देते हैं और को, कोरोनल प्लेन में हम फ्रंट पार्ट को और लास्ट पार्ट को अलग करते हैं तो ये होता है प्लेन की किस तरीके से हम ब्रेन की कटिंग करते हैं और इसकी मदद से हमें ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं अब प्लेन्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया स्लाइजेस के बारे में पढ़ा अब कुछ और भी टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे द अदर अदर रिलेटेड टर्म्स आर डोरसल अब डोरसल क्या होता है इंडिकेटेड टॉप ऑफ द ब्रेन यानी कि ब्रेन के टॉप पार्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें बोलते हैं डोरसल ब्रेन के टॉप पार्ट की सरफेस की सुप, सुपीरियर जो पार्ट होते, है, तो होते हैं उनकी बात करें तो वो होता है डोरसल अब नेक्स्ट क्या है वेंट्रल वेंट्रल क्या है इंडिकेटिंग द बॉटम ऑफ द ब्रेन जब हम ब्रेन के बॉटम पार्ट्स की बात कर रहे थे उनको हमको क्या बोलते हैं वेंट्रल नेक्स्ट क्या है द फ्रंट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज द एंटीरियर जो ब्रेन का फ्रंट पार्ट है उसे क्या कहते हैं एंटीरियर एंड दी बैक ऑफ द ब्रेन इज नोन एज दी पोस्टेरियर और जो ब्रेन का बैक पार्ट है उसे क्या बोलते हैं पोस्टीरियर अब नेक्स्ट है द मेडियल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेफर्ड एज द मेडियल सेक्शन जो ब्रेन का मिडल पार्ट होता है मिडल पार्ट को क्या कहते हैं ब्रेन के मेडियल सेक्शन द लेफ्ट एंड द राइट आउटसाइड एजेस आर कॉल्ड लेटुरल और जो लेफ्ट और राइट आउटसाइड यानी कि बाहर की साइड ब्रेन की जितनी भी एजेस होती हैं लेफ्ट और राइट में उन्हें क्या बोलते हैं लेटोरल तो ये सारी टर्मिनोलॉजी थी कि हम किस तरीके से ब्रेन के अपर पार्ट को डोरसल कहते हैं लोअर पार्ट को वेंट्रल कहते हैं तो इस तरीके से हम ब्रेन के पार्ट्स को हमने नाम दिया है कि ब्रेन के इस पार्ट को हम वेंट्रल कहेंगे इस पार्ट को हम डोरसल कहेंगे तो इस तरीके से दीज टर्म्स आर यूज टू डिनोट वेयर अ रीज़न इन द ब्रेन इज लोकेटेड इन टर्म्स को हम यूज़ करते हैं कि ब्रेन में कौन से कौन से ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन से एरिया में लोकेटेड है कि फ्रंटल लोम में कौन सा एरिया लोकेटेड है डोरसल में कौन कौन से जो पार्ट्स हैं ब्रेन के वो लोकेटेड हैं फ्रंट पार्ट में कौन से जो पार्ट्स हैं वो रिलेटेड है ब्रेन के तो इन सबको डिनोट करने के लिए हमने ये जो ये टर्मोलॉजी यूज़ करते हैं इन टर्म्स का हम यूज़ करते हैं एंड वंस यू आर फेमिलियर विद दीज टर्म्स जब एक बार आप इन टर्म्स से फेमिलियर हो जाते हो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द ब्रेन एरियाज फिर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ कौन से ब्रेन के पार्ट्स में कौन से एरिया में कौन सा पार्ट लोकेटेड है तो इसलिए ये जो टर्म्स हैं उनका यूज़ किया जाता है अब हम आगे पढ़ेंगे द अडल्ट ब्रेन इज अ लार्ज ऑर्गन वेकिंग अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट फाइव के जी इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड तो एक अडल्ट ब्रेन का वेट क्या है एक अडल्ट ब्रेन जो एक काफी लार्ज ऑर्गन है हमारी बॉडी का और इसका वेट होता है अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट फाइव के जी एक अडल्ट ब्रेन इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड लाइक जो हमारा ब्रेन है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत जेली-लाइक स्ट्रक्चर -like है एक ऑर्गन है द ब्रेन कीप्स ग्रोइंग्स टिल वन रीचेज एन एज ऑफ एटीन ईयर्स हमारा जो ब्रेन है वो कब तक बढ़ता रहता है जब तक हम अठारह साल के नहीं हो जाते जब तक कोई भी पर्सन है कोई भी हाँ, किसी पर्सन का ब्रेन है वो एटीन ईयर्स तक ग्रो करता रहता है एटीन ईयर तक ग्रो करता रहता है हैंड्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर न्यूट्रिशन इन इन दी बॉडी इस वजह से हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमारे ब्रेन को ग्रो करने के लिए अगर हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और हमें कोई भी डिसऑर्डर हमारे ब्रेन से रिलेटेड हो सकता है ब्रेन इज अ डेलीकेट ऑर्गन एंड हैंस इट इज़ प्रोटेक्टेड फर्स्टली बाई दिस स्कल ब्रेन एक बहुत ही डेलीकेट यानी कि बहुत ही फ्रेगाइल बहुत एक नाजुक सा ऑर्गन है एंड हैंस इट इज प्रोटेक्टेड फर्स्टली बाई दिस स्कल इस वजह से स्कल से सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाता है द ब्रेन इज इंक्लोज इन दिसकल दैट नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स इट बट ऑल्सो रिटेन इट्स शेप जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे स्कल के अंदर बंद होता है जो कि सिर्फ ना उसे प्रोटेक्ट करता है बल्कि उसे उसकी शेप भी मेंटेन करने में हेल्प करता है क्योंकि ब्रेन का एक बहुत ही जेली लाइक स्ट्रक्चर है जेली जैसा है तो अगर उसको कोई भी एक प्रॉपर हम स्कल में बंद करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा उसका जो जो उसका स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा वो जब ग्रो कर रहा होता है तो उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा तो स्कल का क्या का है मतलब उसे प्रोटेक्ट करना और उसकी शेप को भी मेनटेन करके रखना ब्रेन इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड विद दी हेल्प ऑफ मैनजीज अब मैनेंजिस क्या किया मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैनेजिस क्या होते हैं द सॉफ्ट टिश्यू लेयर्स दैट हेल्प इन एब्जॉर्बिंग एनी काइंड ऑफ शॉक बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट जो टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर होता है लेयर्स होती हैं और तीन लेयर्स से मिलकर के मैनन्जीस बना होता है जिसमें ड्यूरा मैटर पिया मैटर और एर्कोनॉइड मैम ये तीनों को मिलाकर के मैनेजिज बने होते हैं जो कि हमारी ब्रेन को किसी भी शौक से बचाते हैं कि हमारी ब्रेन में कोई भी शौक ना लगे कोई भी केमिकल जो शौक ना हो इलेक्ट्रिक शौक ना हो इससे बचाता है मैनेजिस द फर्स्ट लेयर अंडर द स्कल इज ड्यूरा मेटर विच इज थिक एंड टफ जो हमारा स्कल होता है उसके बाद जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है हमारे ब्रेन हमारे ब्रेन को कवर करने के लिए मतलब स्कल के तुरंत पहले जैसे स्कल है उसके पहले सबसे पहले जो लेयर होती, 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 -like होती है वो क्या होती है ड्यूरा मैटर विच इज थिक एंड टफ जो कि बहुत ही थिक होती है स्कल के तुरंत बाद जो लेयर आती है वो होती है ड्यूरा मैटर जो कि बहुत ज्यादा थिक होती है और बहुत ज़्यादा टफ होती है सेकेंड लेयर इज एर्कोनाइड मैमब्रेन विच इज मैश लाइक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी जो सेकंड लेयर होती है वो किसकी होती है एर्कोनाइड मैमब्रेन की सबसे पहले ड्यूरा मैटर उसके बाद एरकोइंड मैमब्रेन जो कि एक लाइक स्ट्रक्चर होता है एक लाइक होता है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत स्पॉन्जी होता है ये मैमब्रेन और बिलो दिस लेयर इज सैरबो स्पाइनल फ्लूड सी एस एफ और इसी लेयर के बाद हमारे ब्रेन में इस ही लेयर के बाद क्या होता है सैरबोस्पाइनल फ्लूड इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये जो फ्लूड होता है ये बहुत ही एक सॉफ्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करता है हमारी ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कोड को हमारे स्पाइनल कोड में भी होता है ये और हमारे ब्रेन में भी ताकि हमारे ब्रेन जो है बचा रहे सो so, तो मतलब हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं सैरबोस्पाइनल फ्लूड और ये कंटिन्यूसली मूव भी करता रहता है तो ये कहाँ पर होता है सबसे पहले ड्यूरा मैटर ड्यूरोमैटर की बात क्या आती है एरकोनोइड मैंब्रेन और एरकोनोइड मैम्ब्रेन के बाद आता है साइबोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर आता है सैरबोस्पाइनल फ्लूइड और सबसे लास्ट लेयर कौन सी होती है पिया मैटर विच इज अ सॉफ्ट टिश्यू लेयर और सबसे लास्ट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है पिया मैटर की जो कि एक सॉफ्ट टिश्यू लेयर है अगर हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझे कि देखो सबसे पहले क्या आता है स्कल हमारा स्कल है और इसके बाद सबसे पहली जो लेयर होती है सबसे फर्स्ट लेयर मैंने में, मैंने जिसके स्कल के बाद जो सबसे फर्स्ट लेयर आती है हमारे ब्रेन में वो किसकी होती है ड्यूरा मैटर या आ गया ड्यूरा मैटर और ड्यूरा मैटर के बाद आती है एर्थनॉयड मेम्ब्रेन और एर्थनॉयड मेम्ब्रेन के बाद आ गया इधर सैरबोस्पैनल फ्लूइड और सैरबोस्पैनल फ्लूइड जो सबसे लास्ट लेयर है वो किसकी आई पिया मैटर की और इसके बाद आ गया हमारा ब्रेन ये हमारा ब्रेन है ये स्कल था ड्यूरा मैटर फिर एर्थनॉयड मेम्ब्रेन फिर एर्कनॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या आ गया सैरबोस्पैनल फ्लूइड और फिर टर यानी कि पियामेटर और एर मेमब्रेन के बीच में क्या ये सर्बसपैनर फ्यूड है जो कि हमारे ब्रेन को एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता है ताकि हमारे ब्रेन को जो चोट ना लगे नेक्स्ट है मैनजिटिस इज अ पोटेंशियली फेटल डिसऑर्डर कॉज्ड वेन दीज लेमेड बिकॉज ऑफ एनी वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन मैनेजिटिस क्या होता है कि एक पोटेंशियली फेटल डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर है जो कि क्यों पता है वो जब होता है जबकि हमारे किसी भी वायरल की वजह से या फिर किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारी ब्रेन की जो ये मैनेजरीज होती है यानी कि ड्यूरा मैटर पिया मैटर और आर्थनॉयड मेम्ब्रेन इनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है यानी कि इनमें ये फैलने लग जाती हैं ये ये इन्फ्लेमेट करने लग जाती है इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसमें तब हमारे तब हमें क्या कौन सा डिसऑर्डर होता है मैनन्जरीज यानी कि पोटेंशली फाइटल डिसऑर्डर होता है इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर किसी भी वायरल की वजह से तो ये जो मैनेजीज है यानी कि मैटर ड्यूरा मैटर ये जो लेयर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए नेक्स्ट है ब्रेन इज सराउंडेड बाय सी एस एफ एंड इट फ्लोट्स जो ब्रेन है वो किससे किससे सराउंडेड है किससे घिरा हुआ है सी एस एफ यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड से और वो जो कि हमारे ब्रेन में फ्लोट करता रहता है बेहतर रहता है देर आर फोर वेटिकल्स वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन हमारे ब्रेन में चार वेंट्रिकल्स होते हैं अब वो वेंट्रिकल्स कहाँ पर होते हैं दो टू लार्ज वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन द दिडल ऑफ द ब्रेन वन इन ईच एंड नोन एज द लेट्रल वेंट्रिकल्स अब तो तो चार तो तो वेंट्रिकल्स होते हैं जिसमें से दो बड़े वेंट्रिकल होते हैं हमारे ब्रेन के मिड में हमारे ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं दोनों हेमिस्फेयर है हमारी ब्रेन में दो हमिस्फेयर है लेफ्ट हेमिसफेयर और राइट हेमिसफेयर और दोनों में एक एक लार्ज वेंट्रिकल होता है जिन्हें हम कहते हैं लेट्रल वेंट्रिकल्स नेक्स्ट लोकेटेड बिलो इज द थर्ड वेंट्रिकल एंड द फोर्थ वेंट्रिकल इज लोकेटेड बिटवीन सरेबेल एंड दी ब्रेन स्टेम तो उसके बाद जब हमारे जो दो बड़े वेंट्रिकल्स है वो तो हमारे दोनों हैंड में आ गए जिन्हें लेटरल वेंट्रिकल्स कहा जाता है और इन्हीं के नीचे क्या होता है थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल बिटवीन लोकेटेड बिटवीन सैरबेलम एंड द ब्रेन स्टेम जो कि सैरबेलम और ब्रेन स्टैम के बीच में लोकेटेड होते हैं एट द बेस ऑफ द ब्रेन ब्रेन के बेस में यानी कि नीचे की तरफ ब्रेन के लास्ट में वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद सी एस एफ और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो किससे फिल्ड होते हैं पूरे सी एफ एस सेनल फ्लूड से द्रेन सर्फिस इज रिंकली इट हैज मैनी पार्ट्स द ब्रेन हैज्री मेजर डिविजन्स एज द फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड दिड ब्रेन जो ब्रेन है उसका सर्फिस कैसे बहुत ही रिंकली जैसे अखरोट की तरह इट हैज मैनी पार्ट्स और उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और द ब्रेन हैज द्री मेजर डिविजन और ब्रेन के तीन मेजर डिविजन ब्रेन को तीन मेजर भागों में जो डिवाइड करा गया जिसमें फर्स्ट है फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा अब हम इन्हीं के बारे में और इनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं इन सब के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे कि जो ब्रेन के मेजर फंक्शंस हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन उनके क्या क्या फंक्शंस हैं क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं उनके अंदर और क्या क्या, -क्या वो फंक्शंस करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है वो क्या सा है द फोर ब्रेन फोर ब्रेन में जो ब्रेन का सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हिस्सा कवर करता है फोर ब्रेन हैज़ टू डिवीजन नोन एज टेलीसेफेन एंड डायसेफेलिन फोर ब्रेन के दो डिविजन्स हैं दो मेजर डिविजन्स हैं टेलीसेफेलिन और डायनसेफेन और इन दोनों के अंदर सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं इंक्लूड्स द दैरिबल कॉर्टेक्स बेसल गैंग्लिया एंड द लिम्बिंग सिस्टम जो टेलीसेफेन है इसके अंदर सैरिबल कॉर्टेक्स आता है बेसल गैंग्लिया एंड द लिम्बिंग सिस्टम इसके बारे में हम पढ़ेंगे इट इज़ द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन और ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है मैंने की सबसे ज्यादा हिस्सा ये पार्ट कवर करता है नेक्स्ट है डायनसेफेन इंक्लूड्स दी थैलमस एंड द हाइपोथैलमिस ऑप्टिक हयाज्मा एंड पेनियल बॉडी उसके बाद डाइनसेफलन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं थैलेमस और हाइपोथैलमिस और ऑप्टिक हायाजमा एंड पेनियल बॉडी इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेरेब्रम एंड द मिड ब्रेन और ये सेरेब्रम और मिडब्रेन के बीच में प्रजेंट होता है अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये सैरेबल कॉटेक्स क्या है बेसल गैंगलिया और लिम्बिंग सिस्टम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अब सबसे पहले हम ये इलस्ट्रेशन देखते हैं इसमें क्या दिख रखा है कि फोर ब्रेन क्या है मिड ब्रेन क्या है हेंड ब्रेन कौन सा है इन सब के बारे में आपको दिख रहा होगा इस इलस्ट्रेशन में तो हम इसमें देखो ये जो पार्ट है पूरा ये जो पूरा पार्ट है ये वॉलनट की तरह अखरोट की तरह ये है सैरेब्र ये सबसे बड़ा पार्ट है सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाला पार्ट है इसकी इसी पार्ट की वजह से फोरब्रेन क्या है सबसे बड़ा पार्ट है सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाला पार्ट है और यहाँ पर जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये है मिड ब्रेन क्या है ये मिड ब्रेन छोटा सा और ये जो येल्लो कलर का पार्ट है ये क्या है पूरा हाइंड ब्रेन पूरा हाइंड ब्रेन और ये जो एक लीव जैसा जो लीव जैसा स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं सैरे बेलम जिसे बोलते हैं सारे बेलम तो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे मिड ब्रेन अब जो फोर ब्रेन है उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था टेलीसेफ्लिन और डाइनसेफ्लिन होते हैं ये दो पार्ट्स होते हैं दो डिवीजन में फोरब्रेन को डिवाइड करा होता है इसमें हम टेलीसेफलन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सैरेब्र सेब्रल कोटेक्स के बारे में टेलीसेफ्लिन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सैरिब्रल कोटेक्स के बारे में बारे में तो सेबल कोर्टेक्स क्या होता है द सरिबल कोटेक्स इज अबाउट टू टू फोर मिलीमीटर थिक इट इज वन इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द दैरेब्रम सेब्रल कोटेक्स क्या है दो से चार मिन थिक है एक पार्ट और इट इज ऑन टॉप ऑफ दैरिब्रम और साइरिब्रम के सबसे टॉप पार्ट को बोलते हैं सैरिब्रल कॉर्टेक्स जो पूरा एक वोलनट जैसा जो स्ट्रक्चर था जो वो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर था वो क्या है सैरिब्रम और सैरिब्रम के सबसे टॉप पार्ट को क्या बोलते हैं सैरिब्रल कॉर्टेक्स जो हम देख सकते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं सैरिब्रल कॉर्टेक्स इट इज़ द आउटर ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ द ब्रेन ये सबसे आउटर ऑब्जर्वेबल पार्ट होता है यानी कि इस पार्ट को हम देख सकते हैं अगर किसी इंसान का ब्रेन निकाले तो जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर दिखेगा वो क्या है सेरेब्रल कोटेक्स देर आर मिलियंस ऑफ डेंट्राइट्स दैट साइनएप्स हेयर विद अदर न्यूरोन्स इधर बहुत सारे डेंट्राइट्स जो न्यूरोन्स होते हैं जैसे हमने पढ़ा कि न्यूरोन्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं एक्जन होते हैं डेंट्राइट्स होते हैं बहुत है। सारे ऐसे डेंट्राइट्स होते हैं इस पार्ट में जो कि दूसरे न्यूरोन से साइनएप्स कर रहे होते हैं यानी कि दूसरे जो मतलब इसमें मेन चीज़ क्या है कि इस पार्ट में बहुत सारे ऐसे न्यरोन्स होते हैं जो एक दूसरे से इफॉर्मेशन ट्रांसफर लेन देन का काम कर रहे होते हैं एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ऑफ अन द प्रिजेंस ऑफ अन माइलिनेटेड न्यूरोन्स इन दैरेबल कॉर्टेक्स गिर्व अ ग्रे कलर एंड दस इज ऑल्सो नोन एज ग्रे मैटर और इस पार्ट में बहुत सारे अन माइलीलिनेटेड न्यूरोन्स होते हैं अन माइलीनेटेड न्यूरोन्स के होने की वजह से क्या होता है कि इनका जो ये जो सेरेबल कोटेक्स है इसका जो कलर है वो ग्रे हो जाता है और ग्रे कलर होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं ग्रे मैटर द लेअर बीनीथ दर्टेक्स कंस्टीट्यूट ऑफ लार्ज माइलीनेटेड एग्जेंस विच गिर्स अ इट अर व्हाइट कलर एंड इज रेफर्ड एज व्हाइट मैटर और इसी के नीचे जो लेयर होती है वो क्या होती है कोटेस की जो लेयर होती है इसके नीचे इस ग्रे मैटर के नीचे जो दूसरी लेयर होती है वो उसमें क्या होते हैं बहुत सारे माइलीटेड एग्जाम्स होते हैं जिन जो कि इसे एक व्हाइट कलर प्रोवाइड करते हैं और इसलिए इसे व्हाइट मैटर भी कहा जाता है यानी कि इसमें दो मैटर होते हैं एक वाइट मैटर और एक ग्रे मैटर जैसे हमने स्पाइनल कोड में भी पढ़ा था इसके बारे में और क्यों होता है ग्रे मैटर क्यों होता है यह व्हाइट कलर ये ग्रे कलर क्यों आता है इसके बारे में भी मैंने उस पार्ट में बताया स्पाइनल कोड वाले पार्ट में तो जिसमें नहीं देखा जाकर के वो वीडियो जरूर देखें इससे पहले पार्ट को ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी आए तो दो मैटर होते हैं इसमें एक वाइट मैटर और एक ग्रे मैटर और जो ग्रे कलर है जो ग्रे मैटर है वो क्यों होता है अन माइलीनेटेड न्यूरोन्स की वजह से क्योंकि उधर अन माइलीटेड न्यूरोन्स होते हैं और उसी के जो नीचे लेयर्स होती हैं इस कोटेस के नीचे जो लेयर होती है वो क्या होते हैं वाइट कलर की होती है व्हाइट कलर के होते हैं क्योंकि उसमें माइलिनेटेड एग्जाम्स होते हैं इसकी वजह से वो इसे वाइट कलर देते हैं जिससे जिसकी वजह से उसे हम व्हाइट मैटर भी कहते हैं अब नेक्स्ट क्या है देर आर स्मॉल एंड बिग बल्ज कोल्ड एज कॉन्वेशन देर आर ग्रुप्स बिटवीन द बल्जेस द स्मॉलर वन आर द स्मॉलर वंस आर नोन एज सल्की सल्काई एंड द लार्जर ग्रुप्स एज फिजर्स तो क्या होता है इसमें देखो ये आपके सामने ब्रेन का स्ट्रक्चर है अब इस स्ट्रक्चर में आपको ये पार्ट दिख रहा है इस पार्ट में बहुत सारी फोल्ड्स हैं है ना ऐसे करके ये फोल्ड्स है तो ये जो अपर पार्ट है ये पार्ट जो उभरा हुआ है ऐसे ये उभरा हुआ जो पार्ट है इसको बोलते हैं गायरी गायरी या फिर गायरस गायरी या फिर गायरस और ये जो अंदर वाला पार्ट है जो ग्रूव्स हैं ये जो ग्रूव्स हैं इन्हें हम बोलते हैं सल्कस जो ये जो स्मॉलर ग्रूव्स होते हैं इनको बोलते हैं हम सल्कस या फिर सलकाय और जो लार्ज ग्रूव्स होते हैं अगर ये बहुत ज्यादा गहरे हैं ऐसे ये बहुत ज्यादा गहरे हैं तो हम इन्हें बोलते हैं फिजर्स इन्हें हम बोलते हैं फिजर्स तो जैसे मैंने अभी बताया देर आर स्मॉल एंड बिग बल्ज कोल्ड एज कॉन्वलेशन ये जो इस तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इन स्मॉल एंड बिग बल्ज को हम बोलते हैं कॉन्वलेशन देर आर ग्रूप्स बिटवीन द बल्जेस और इन बल्जेस में क्या है ग्रूव ये है ये गहराई है इससे हम क्या बोलते हैं द स्मॉलर वंस आर नोन एज सलकाई जो स्मॉलरू ये जो ग्रूव जो जो, जो गहराई है वो जितनी कम होगी जो स्मॉलर ग्रूव है उसे हम बोलेंगे सलकाई एंड द लार्जर ग्रूव एज फिजर्स और जो लार्ज ग्रूव्स हैं उन्हें हम बोलेंगे फिजर्स सो आई होप कि आपको ये समझ में आओगेगा अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे देर आर मेनी फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शंस क्या है द पोस्ट सेंट्रल गायरस अब गायरस मैंने बताया था कि जो स्ट्रक्चर होता है इसमें जो अपर पार्ट होता है ऊपर वाला पार्ट ये जो रिजेज है इसे हम बोलते हैं गायरस और ग्रूवस को क्या बोलते हैं सलका या फिर फिजर्स तो ये जो अपर पार्ट है इसे हम बोलेंगे गायरस तो यहां पे ये गायरस वही वर्ड है गायरस या फिर गायरी द पोस्ट सेंट्रल गायरस फंक्शन एज अ जनरल सोमैटिक सेंसरी एरिया अब जो पोस्ट सेंट्रल गायरस अब यहां पे दो तरीके से गायरस एक तो पोस्ट सेंट्रल गायरस और एक प्री सेंट्रल गायरस तो पोस्ट सेंट्रल गायरस क्या करता है पोस्ट सेंट्रल का फंक्शन होता है इट फंक्शंस एज अ जनरल सोमेटिक सेंसरी एरिया सेंसरी एरिया यानी कि जित ये किससे फंक्शन करता है सेंसरी एरिया की तरह यानी कि जितने भी सेंसेज होते हैं उन्हें रिसीव करता है जितने भी सेंसेशन हम परसीव करते हैं उनको रिसीव करता है इट रिसीव्स सेंसेशन ऑफ टच टेम्परेचर एंड प्रेशर जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है पोस्ट मीन्स बाद में पोस्ट मीन्स बाद में प्री मतलब पहले यानी कि जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है वो कौन से वो क्या किस तरीके से फंक्शन करते हैं सोमेटिक सेंसरी एरिया की तरह यानी कि जितनी भी सेंसेशन होंगी टच होगा टेम्परेचर होगा प्रेशर होगा इन सबको वो रिसीव करेगा ये पार्ट रिसीव करेगा पोस्ट सेंट्रल गायरस और प्री सेंट्रल गायरस क्या वर्क करेगा वर्क एज अ सोमेटिक मोटर एरिया ये कैसे वर्क करता है एक मोटर एरिया की तरफ वर्क करता है विच इज इन्वॉल्व इन मोटर रिस्पॉन्स जो कि मोटर रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है एंड मेंटेनिंग बॉडी पोजिशन और बॉडी की पोजिशन को मेंटेन करके रखता है तो बेसिकली क्या होता है क्या समझा हमने कि जो ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है और जो ये प्री सेंट्रल गायरस है किस तरीके से वर्क करता है कि जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है वो तो सेंसेशन परसीव करता है और जो प्री सेंट्रल गायरस है वो क्या करता है वो मोटर फंक्शन में वर्क करता है कि जितने भी मोटर रिस्पॉन्स है उन्हें देता है बॉडी के पोजिशन को मेनटेन करने कर का तो का काम करता है तो क्या होता है प्री सेंट्रल गायरस का काम हैंस डिफरेंट एरियाज ऑफ दी कोटेक्स हैव इंपॉर्टेंट सेंसरी फंक्शन टू परफॉर्म जितने भी कोटेक्स के एरियाज हैं उन सब पर डिफरेंट डिफरेंट सेंसरी फंक्शन में वो हेल्प करते हैं यानी कि साइरबल कोटेक्स क्या करता है सेंसरी फंक्शंस में हेल्प करता है और साथ में मोटर फंक्शनिंग भी करता है और जितने भी कोटेक्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेंसरी फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं द प्राइमरी विजुअल कोटेक्स हेल्प्स इन मैपिंग द विजुअल इंफॉर्मेशन एंड प्राइमरी ऑडिटरी कोटेक्स हेल्प्स इन मैपिंग ऑडिटरी फंक्शन प्राइमरी विजुअल कोटेक्स जो विजुअल पार्ट है हमारे सेरेब्रम का वो क्या करता है सेरेब्रल कोटेक्स का वो क्या करता है विजुअल कोटेक्स हेल्प्स इन मैपिंग द विजुअल इन्फॉर्मेशन जो भी हम देखते हैं उसे मापने का काम करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं उसको एंड प्राइमरी ऑडिटरी कोटेक्स हेल्प्स टू मैप ऑडिट्री फंक्शंस और जो हम सुनते हैं उसे उसे मापने का काम उसकी मैपिंग का काम कौन करता है प्राइमरी ऑडिशन ऑडिटरी कोटेक्स यानी कि हमारे साइबरम जो हमारे साइबर कोटेक्स है उसमें विजुअल कोटेक्स भी है जो कि हमारी विजन में हेल्प करता है और जो प्राइमरी ऑडिटरी कोटैक्स है वो क्या करता है हमारी सुनने में यानी कि हमारी ऑडिटरी फंक्शन में ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन में हेल्प करता है अब आगे और हम इसके बारे में पढ़ेंगे इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग इन्फॉर्मेशन पीसिस टुगेदर इनटू मोर मीनिंगफुल परसेप्शन ये जो पार्ट है ये क्या करता है ये साइबर कोटेक्स कि जितनी भी पीसीज में इंफॉर्मेशन आती है जितनी भी हम पीसीज में इंफॉर्मेशन लेते हैं उन सबको इंटीग्रेट करता है इकट्ठा करता है और एक मीनिंग देता है उसे हम जो भी चीज़ें परसीव करें उसे है, एक मीनिंग देते हैं उन सबको इकट्ठा करने का काम करता है द प्राइमरी सोमेटिक एरिया इज द प्री सेंट्रल गायरस दैट इज प्रजेंट इन दी फ्रोंटल लोब अब जो हमने प्री सेंट्रल गायरस के बारे में पढ़ा था जो हमने प्री सेंट्रल गायरस के बारे में पीछे पढ़ा था तो ये पार्ट किधर होता है ये पार्ट प्रजेंट होता है हमारी फ्रोंटल लोब में हमारी फ्रोटल में द प्राइमरी सोमेटिक एरिया इज द प्री सेंट्रल गायरस जो प्राइमरी सोमेटिक एरिया है जो ये सोमेटिक एरिया इसे हम प्री सेंट्रल गायरस कहते हैं जो कि हमारी फ्रोटल में प्रेजेंट होता है दिस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इंडिविजुअल मसल्स हमारी बॉडी की जो जितनी भी इंडिविजुअल मसल्स हैं उन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड द मसल्स ऑफ द फीट हैंड्स एंड टॉय फॉर प्रॉपर मूवमेंट और इन सब हमारे पैरों के मसल्स को हमारे हाथों के मसल्स को हमारे पैर के अंगूठे आन के टॉय को इन सबको इन सबकी प्रॉपर मूवमेंट में हेल्प करते हैं जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो प्री सेंट्रल गायरस है क्या है मोटर फंक्शनिंग में हेल्प करती है तो मोटर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं तो जितने भी मूवमेंट्स हैं उन सब में हेल्प करती है तो इसका काम कौन करते हैं प्री सेंट्रल गायरस जिसे जो कि फ्रोंटल लोम में प्रेजेंट होती है इसे प्राइमरी सोमेटिक एरिया कहते हैं अब नेक्स्ट क्या है सिंस द रिसीव्स सेंसरी इन्फॉर्मेशन इट इंटीग्रेट्स द इन्फॉर्मेशन एंड सेंड्स आउट द मोटर रिस्पॉन्स इट फंक्शन एज द इंटीग्रेशन सेंटर अब जैसे कि हमने पढ़ा कि जो ये पूरा सैरबल कॉर्टेक्स है ज़्यादातर क्या करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी सेंसेशन होती है उन सबको परसीव करता है फिर जो है इन सबको इंटीग्रेट करता है इकट्ठा करता है इन सबको ताकि एक मीनिंगफुल परसेप्शन हम इसे दे सकें और उसके बाद क्या करता है मोटर फंक्शनिंग में हेल्प करता है कि फिर हमारे जो मोटर न्यूरोस होते हैं उनको बताता है कि हाँ तुम्हें ये काम करना है तो ये जो पूरा कॉटेक्स है क्या सेंसर इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है फिर उसे इकट्ठा करता है इनफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है फिर मोटर रिस्पॉन्स करता है तो इट फंक्शन एज अ इंटीग्रेशन सेंटर तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है इंटीग्रेशन सेंटर इंटीग्रेशन सेंटर भी इसे कहते हैं क्योंकि इसमें सारी इफॉर्मेशन इकट्ठा होती है इंटीग्रेट होती है दिस इज़ रिस्पांसिबल फॉर कॉन्शियसनेस ये हमारी कॉन्शियसनेस के लिए रिस्पांसिबल होता है एंड वेरियस अदर मेंटल एक्टिविटीज़ एज लैंग्वेज एबिलिटी इमोशंस एंड मेमरी हमारी कॉन्शियसनेस के लिए तो रिस्पॉन्सिबल ही और जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज हैं उनके लिए भी रिस्पांसिबल है लैंग्वेज एबिलिटी इमोशंस मेमरी इन सबके लिए भी ये पार्ट रिस्पांसिबल है कोटेक्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन अदर लैंग्वेज फंक्शंस और दूसरी लैंग्वेज फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये उसमें दूसरी लैंग्वेज भी इन्वॉल्व होते हैं इस कोटेक्स में जैसे कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच स्पीच को समझने की एबिलिटी और रिटर्न लैंग्वेज की हमारी जो रिटर्न लैंग्वेज है उसे समझना ये भी इस कोटेक्स में इन्वॉल्व होते हैं ये फंक्शंस भी कोटेक्स आल्सो हेल्प्स इन स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी एज वेल एज लॉन्ग टर्म मेमोरी और कोटेक्स और किस चीज़ में हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में और रिट्राइव करने में रिट्राइव मीन्स कि हमने कोई चीज़ याद करी तो जब हमें उसकी ज़रूरत है उस इफॉर्मेशन की तो हमें वो दोबारा से याद आए जिसकी हमारे बचपन की कोई याद है जब हम चाहें उसे दोबारा से याद कर सके हमें वो पूरी तरीके से याद हो तो ये काम भी किसका होता है ये चीज़ में भी हेल्प करता है कोटेस ये सैरबल कोटेक्स कोटक्स हेल्प इन स्टोरिंग एंड द ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लेकर के लॉन्ग टर्म मेमोरी हम सब याद रखते हैं सिर्फ इस सैरेबल कोटेक्स की वजह से और जैसे कि मैंने बताया था कि जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से ये वोल्नेट वाला ये जो ट्यूब्स होती हैं इसमें ये गायरे सॉरी सर्कस फिजर ये होते हैं तो जितने ज़्यादा ग्रूव्स होते हैं जितने ज़्यादा ये फिजर्स जितने ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा ब्रेन में ये ट्यूब्स होती हैं जितनी ज़्यादा घना होता है ये सर्बल कोटेक्स उतनी ही ज़्यादा लोग इंटेलिजेंट होते हैं उतनी ज़्यादा हम मेमोरी स्टोर करके रख सकते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का अगर जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा सवाल सोल्व करते हैं बहुत ज़्यादा हम शू को या फिर बहुत ज़्यादा हम ऐसे गेम्स खेलते हैं जिसमें हमारे ब्रेन पे हमें ज़्यादा जोर देना पड़े ज़्यादा जोर देना पड़े उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फीचर्स हैं ये और ज़्यादा बनने लगते हैं जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा स्टोर कर पाते हैं हमारी मेमोरी जो है ज़्यादा बढ़ने लग जाती है क्योंकि ये क्या काम करता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का और रिट्राइविंग में भी हेल्प करता है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए भी तो इस वजह से जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा अब सारीबल कॉर्टेक्स हमने कवर कर लिया अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नैसल गैंगलिया इसके बारे में बेसल गैंग्लिया इज प्रेजेंट अंडर दल सेबरल कोर्टेक्स सैरिब्रल कोर्टेक्स के अंदर बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है यानी कि ये विजिबल पार्ट नहीं है इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मैटर मोस्टली विच इज़ कम्पोज ऑफ नंबर ऑफ ट्रैक्ट्स और ये जो पार्ट है ये क्या है वाइट मैटर है जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना कि सैरब्रल कोटक्स के नीचे जो लेर होती, होती है वो कहती है व्हाइट होती है क्योंकि उसमें माइलीटेड न्यूरोम्स होते हैं तो ये जो बैसल गैंगलिया क्या है व्हाइट कलर का है क्योंकि इसमें माइलीटेड न्यूरोन्स है मोस्टली विच इज कम्पोज ऑफ नंबर ऑफ ट्रैक्स और इसमें बहुत सारे ट्रैक्स भी हैं ट्रैक्स मैंने पहले बहुत बार बता रखा कि ट्रैक्स क्या होते हैं जब बहुत सारे न्यूरोन्स एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं ट्रैक्ट देर आर ग्रे मैटर इज प्रेजेंट डीप इन साइड द कोटेक्स अनलाइक दाइट मैटर और इस पार्ट के डीप में बहुत ज्यादा डीप में क्या है ग्रे मैटर है डीप इन साइड द कोटेक्स अनलाइक द्ट मैटर बहुत डीप में जाकर के क्या है ग्रे मैटर है यानी कि ऊपर क्या है व्हाइट मैटर और डीप में जाकर के क्या है ग्रे मैटर द बेसल गैंगलिया इज मेड अप ऑफ क्यूडेट न्यूक्लियस ट्यूटामैन ग्लोबस पैलिडस एंड अमे अमेक्डोलॉड न्यूक्लियस इन सब पार्ट्स को मिलाकर के बेसल गैंगलिया बना है क्यूडेटेड न्यूक्लियस क्या होता है और ये पुटामैन क्या होता है इन सबके बारे में हम अपन पढ़ेंगे कोडेट न्यूक्लियस एंड ट्यूटामैन हैव अ स्ट्राइब्ड अपीयरेंस एंड दस आर नोन एज स्ट्रेटम जो ये कार्डोट न्यूक्लियस है जो ये पोटामैन है इनकी जो अपीरेंस होती है कैसी होती है स्ट्रिप्ड की तरह स्ट्राइप्स की तरह इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं स्ट्राइटियम तो इन सब पार्ट्स को मिला करके बैसल गेंगलिया बना है और अब हम बेसल गंग्लिया इसका क्या फंक्शन है किस तरीके से फंक्शन करता है इसके बारे में पढ़ेंगे हेल्प्स इन रेगुलेटिंग वॉलेंट्री मोटर फंक्शंस जितने भी वॉलेंट्री मोटर फंक्शंस हैं उन सब में हेल्प करता है उन सबको रेगुलेट करने में हेल्प करता है एज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देट आर इन्वॉल्व इन मैंटेनिंग द पोस्चर मशन मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में इन्वॉल्व होता है ये जैसे कि हमारे पोस्चर को मेन्टेन करके रखना है जब हम वॉक करते हैं उसमें उसमें इन्वॉल्व होता है और मेकिंग अदर मूवमेंट्स और जितनी भी दूसरी मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उसमें ये इन्वॉल्व होता है अब नेक्स्ट है डिसीज़ यानी कि इस बेसिल केंगे अगर ये पार्ट किसी भी तरीके से इसमें कोई डैमेज हो जाता है या फिर कोई भी डिसीज की वजह से ये पार्ट जो है इंजर्ड हो जाता है या कोई भी दिक्कत हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे इफ देर इज एनी डैमेज टू द ब्लड वैसल्स इन दिस एरिया अगर इस पार्ट की ब्लड वैसल्स में कोई भी डैमेज हो जाता है इट कोज अ लोकल इंटरप्शन एक इंटरप्शन यानी कि रुकावट पैदा कर देता है हमारे ब्लड फ्लो में इन दी इन द्लड फ्लो कॉजिंग टिश्यू डैमेज और स्ट्रोक लोकली जिसकी वजह से अगर हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो रुक गया तो क्या होगा स्ट्रोक की सिचुएशन आ जाएगी या फिर हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी कि उन्हें ब्लड नहीं मिल पाएगा तो ये कंडीशन हो जाती है दिस कोज अ पार्शियल पैरालिसिस और हमारी बॉडी में पार्शियल पैरालिसिस भी हो सकता है उस टाइम पे. ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी विद प्रॉब्लम्स इन विजन टू और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में पैरालाइज हो गया वो भी हाफ बॉडी में यानी कि हमारा बॉडी हमारी पूरी बॉडी का जो हाफ पार्ट है हमारी पूरी बॉडी का जो हाफ पार्ट है वो काम करना बंद कर देगा साथ में हमारी विजन में भी प्रॉब्लम आएगी यानी कि हम देख भी नहीं पाएंगे ढंग से नेक्स्ट है पैकिंसंस डिसीज़ विच इज कॉज बाई द डी जेनरेशन ऑफ थर्टी न्यूरोन्स जो पैकिनसन डिसीज ऑफ की होती है कुछ न्यूरोन्स के डी जनरेशन की वजह से कि वो ढंग से जनरेट नहीं होते डी जनरेशन की वजह से इन द मिड ब्रेन मिड ब्रेन में दैट सेंड्स इट इम्पल्स टू पैसल गैंगलिया दिस डिजीज कॉजिज द पर्सन टू एक्सपीरियंस वीकनेस ट्रेमर्स पुअर बैलेंस रिजिडिटी ऑफ लिम्स एंड डिफिकल्टी इनिशिएटिव मूवमेंट्स डिफिकल्टी इन इनिशिएटिव मूवमेंट्स तो क्या होता है इसमें इस पैकिंसन डिजीज में, इस Parkinson's disease में जो डीजनरेशन होती है न्यूरोस की वो हो जाती है इसकी वजह से हमें पैरकिसन डिजीज़ होती है ये पैरकिसन डिजीज़ की होती है कि हमारे मिड ब्रेन में जो कि हमारे इस बेसल गेंगलिया को इम्पल्सिस सेंड करता है हमारा मिड ब्रेन है वो हमारे बेसल गंगलिया को इम्पल्सिस सेंड करता है अगर हमारे मिड ब्रेन की कुछ न्यूरोस है अगर उनमें कोई दिक्कत है जो उसमें डीजनरेशन होती है इसकी वजह से क्या होता है हमें पैरकिसन डिजीज़ होती है और अगर प्रेगनसन डिजीज़ हो जाती है तो क्या होता है कि मिड ब्रेन वो अपने जो जो इंपल्सिस हैं उन्हें सेंड करना बंद कर देगा यानी कि इस बैसल गेंगलिया में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी यानी कि काम करना बंद कर देगा जिसकी वजह से डिसीज क्या करती है दिस डिसीज़ कोजेस दी पर्सन सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी दिस डिसीज़ कोजेस दी पर्सन टू तो एक्सपीरियंस वीकनेस इसमें वीकनेस होती है ट्रेमर्स पुअर बैलेंस रिजिडिटी ऑफ लिम्स एंड डिफिकल्टी इनिशिएटिव मूवमेंट्स और मूव कोई भी मूवमेंट लेने में हमें क्या होती है दिक्कत होती है तो ये पूरा कि बैसल गेंगलिया क्या है किन पार्ट से मिल करके बनाया क्या इसके फंक्शन है और क्या दिक्कतें हमें हो सकती है अगर इस पार्ट में कोई भी डैमेज हो जाता है थर्ड है लिम्बिक सिस्टम लिम्बिंग का मतलब क्या होता है रिंग दिस सिस्टम मेक्स अ बॉर्डर अराउंड द कॉर्पस कैलोजम दैट कनेक्ट्स द लेफ्ट हेमस्पियर विद द राइट वन लिम्बिंग का मतलब होता है रिंग और ये जो लिम्बिंग सिस्टम होता है ये कहता है कॉर्पस कैलोजम के अराउंड जो है एक एक बॉर्डर बनाता है यानी कि जो कॉर्पस कैलिज्म होता है ये क्या होता है लेफ्ट हेमिसफेयर और राइट right हेमस्फेयर ये दो हेमिसफेयर्स हमारे के इसके बारे में पता है अब इन दो हेमस्फेयर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है उसे बोलते हैं कॉर्पस कैलिज्म और इस कॉर्पस कैलिज्म के अराउंड ये जो लिम्बिंग सिस्टम है ये एक बॉर्डर बनाता है इट इंक्लूड स्ट्रक्चर एज सिंगुलेटेड गायरस और इस लिम्बिंग सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं सिंगुलेटेड गायरस एंड हिपो कैंपस विच आर कनेक्टेड टू अदर एरियाज देखो लिम्बिंग सिस्टम में कौन कौन से एरियाज आ गए कौन कौन से स्ट्रक्चर आ गए सिंगुलेटेड गायरस और हिपो जो आगे चल के क्या करते हैं कि जो दूसरे ब्रेन के पार्ट्स से उन सबसे कनेक्ट करते हैं और कौन कौन से ब्रेन के पार्ट्स अमैगडला स्पेटल सेप्टल न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस एंड थैलमस इन सब पार्ट्स आगे चल के ये क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं ऑल्सो नोन एज द ओल्ड ब्रेन इस लिम्बिंग सिस्टम को ऑल्सो एज से ओल्ड ब्रेन ओल्ड ब्रेन भी कहते हैं क्यों ओल्ड ब्रेन क्यों कहते हैं परफॉर्मिंग फंक्शंस रिलेटेड टू ये ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो किस चीज़ से रिलेट होता है हमारे इमोशंस से इमोशनल एंड एक्सप्रेशन एंड मोटिवेशन इमोशंस से एक्सप्रेशन से हमारी मोटिवेशन से इन सब से रिलेटेड जो है काम करता है ये सिस्टम करता है सिंस इट इज़ इन्वॉल्व इन देश एक् एक्सपीरियंस ऑफ द डिफरेंट इमोशंस क्योंकि इसमें हमने अभी क्या पढ़ा कि इसमें इमोशंस है, होते हैं एक्सप्रेशंस होते हैं मोटिवेशन होते हैं इन सबसे रिलेट करता है इसने बहुत सारे इस पार्ट ने जो है बहुत सारे जो है हमारे इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रखा होता है जैसे कि कौन कौन से एक्सपीरियंस जैसे फियर एंगर फाइटिंग और जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं उन सब वो सब इसी पार्ट में इसी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं एटसेट्रा एट्सेट्रा विद द दटेक्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इमोशनल ब्रेन अब इसे ओल्ड ब्रेन भी कहते हैं और ये बहुत सारे इमोशंस को इमोशंस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस वजह से क्या कहते हैं इमोशनल ब्रेन इफ देर इज एनी डैमेज इन दिस एरिया अगर इस एरिया में कोई भी डैमेज हो जाता है इट मे लेट टू एबनॉर्मल इमोशनल रिएक्शन टू सिचुएशन तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारे लिम्बिक सिस्टम में कोई भी डैमेज हो जाता है तो हम किसी भी सिचुएशन में अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी ना करना हो तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर सकते हैं या फिर कुछ रिस्पॉन्स ही ना करें ऐसे भी हो सकता है मतलब हमारे इमोशंस पे काफ़ी अफेक्ट पड़ेगा इसका सिंस लिम्बिक सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी और ये जो लम्बिंग सिस्टम है ये सिर्फ हमारे इमोशंस पे या फिर सिर्फ हमारे एक्सप्रेशन से मोटिवेशन पे नहीं बल्कि हमारे लर्निंग पे और हमारे जो मेमोरी इस पर भी काफ़ी इन्वॉल्व होता है और अगर ये पार्ट डैमेज हो जाता है एनी डैमेज टू दिस टू दी हिपो कैंपस कोस इन मेमोरी जैसे कि हमने पढ़ा कि लम्बिंग सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं सिंगुलेटेड कैरस और हिपो कैम्पस तो इसकी वजह से अगर इसमें हिपो कैंपस भी अगर हिपो कैंपस में कोई भी डैमेज हो जाता है तो इससे क्या होगा हमारी मेमोरी में अफेक्ट पड़ेगा हमारी लर्निंग हमारी मैमरी में भी इसका इसका काफ़ी अफेक्ट होगा तो ये था लिम्बिक सिस्टम और इसी के साथ हमने ये टेलिन सेफेलन जो हमने पढ़ा था कि फोर ब्रेन को दो डिवीजन्स में डिवाइड करा गया है दो दो हैं जिसमें था एक टेलीसेफलिन और डायनसेफलिन टेलीसेफलिन में हमने सैरबल कोटेक्स वैसे लगेंगे और लिम्बिक सिस्टम तीनों हमने कवर कर लिया अब हम पढ़ेंगे डायनसेफेन यानी कि डायनसेफलिन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं थैलिमस और हाइपोथैलेमस इसके बारे में पढ़ना भी हम पढ़ेंगे अब है डायनसेफलिन यानी कि फोर ब्रेन को जिस दो डिवीजन में डिवाइड करा गया है टाइम टेलिन सेफलिन और डायनसेफलिन उसमें से हमने टेलन सेफलिन पढ़ लिया जिसमें हमने साइबल कोटेक्स बैसलगैंगलिया और लिबिंग सिस्टम पढ़ा था अब हम डायनसेफलिन पढ़ेंगे जिसमें हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे तो थैलेमस से स्टार्ट कर देते हैं थैलेमस इज अ लार्ज टू लोब्ड स्ट्रक्चर दैट इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम थैलेमस एक लार्ज लार्ज है एक थैलेमस इज अ लार्ज एक लार्ज और टू लोब्ड स्ट्रक्चर है यानी कि इसमें दो लोब्स हैं टू लोब्ड स्ट्रक्चर है दैट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम जो ब्रेन स्टेम के टॉप पर लोकेटेड है इट इज़ सेंट्रल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन दैट हैज़ इम्पोर्टेंट न्यूक् न्यूनस जेनिक्युलेट ये सेंट्रल पार्ट है फोरब्रेन का फोरब्रेन का सेंट्रल पार्ट है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है जेनिक्यूलेट जो कि एक न्यूक्लाय है यानी कि न्यूक्लाय है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेनिकुलेट बॉडीज एंड मैनी न्यूरोन्स लाइन द न्यूक् ऑफ द थैलेमस यानी कि इसमें क्या यह एक फोरब्रेन का सेंट्रल पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट न्यूक्लियन नोन एज जेनिकुलेट बॉडीज जिसमें जेनिकुलेट बॉडीज हैं जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूक्या है और बहुत सारे न्यूरोन्स हैं लाइन दी न्यूक् ऑफ द थैलेमस जो थैलेमस के न्यूक्लाय में है बहुत सारे क्या हैं न्यूरोन्स जो थैलेमस है ये फोरब्रेन का सेंट्रल पार्ट है और इस सेंट्रल पार्ट में क्या है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लाय जिसे कहते हैं जेनिकुलेट बॉडीज और इन जेनिकुलेट बॉडीज की यानी कि इस न्यूक्लाय के अंदर क्या है बहुत सारे न्यूरोन्स हैं इस, की इस के अंदर बहुत सारे क्या हैं है जेनिकुलेट बॉडीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी एंड विजुअल इन्फॉर्मेशन और जेनिकुलेट बॉडीज हैं क्या करती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में जितनी भी हम इंफॉर्मेशन विजुअलाइज करते हैं मतलब अपनी आंखों से देखते हैं जितनी भी चीजें हम सुनते हैं जितनी भी ऑडिटरी और विजुअल इन्फॉर्मेशन उन सबको प्रोसेस करने का, का काम कौन करता है जेनिकुलेट बॉडीज थैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ पेन टेम्परेचर टच एंड कॉन्शियसनेस इस वजह से क्या है क्योंकि इसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही हैं क्योंकि ऑडिटरी और विजअल इन्फॉर्मेश सेंसरी इन्फॉर्मेशन है तो जो थैलमस है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा सेंसेशन पेन टेम्परेचर टच कॉन्शियसनेस इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है द न्यूक्लाय इन दैलमस रिसीव इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन स्टैम एंड सेंड इट ट्रू द डिफरेंट रीजन ऑफ द कोरटेक्स अब जो ये थैलमस का जो न्यूक्लाय है जेनिक्यूलेट बॉडी ये न्यूक्लाय क्या करता है ब्रेन स्टैम से जितनी भी इम्पल्स होती हैं उनको रिसीव करता है और ब्रेन के जो ये कोटेक्स हैं सैरबल कोटेक्स इसके डिफरेंट एरियाज में ट्रांसफर करता है सेंड करता है यानी कि ब्रेन स्टेम से क्या करता है इंफॉर्मेशन इंपल्सिस को रिसीव करता है और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में यानी कि जो कोटेक्स के डिफरेंट रीजन हैं उन सब में सेंड करता है जी हैव एन इंटरमीडिएट पोजिशन आर इन्वॉल्व इन रिलाइंग इफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू मोटर इफेक्टर्स तो क्या होता है थेलमिक निक्लाये में एक इंटरमीडिएट पोजीशन पर होता है ये एक इंटरमीडियट पोजीशन आर इन्वॉल्व इन रिलाइंग इफॉर्मेशन फ्रॉम यानी कि इसमें होता है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है सेंसरी रिसेप्टर्स से और उस इन्फॉर्मेशन को किस तक पहुँचा जाता है मोटर इफेक्टर्स तक सेंसरी रिसेप्टर्स यानी कि रिसेप्टर्स के थ्रू जितने भी जितने भी सेंसेशन जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उन सबको लेता है ये थैलमिस का निकला है और क्या करता है कि मोटर इफैक्टर्स तक उन इन्फॉर्मेशन को पहुँचाता है एनी डैमेज टू थैलमिक रीजन मे बी फैटल और कॉस कोमा और अगर इस पार्ट को कोई को भी डैमेज हो जाता है तो क्या होता है इससे या तो हम कोमा में जा सकते हैं फिर फैटल यानी कि इन दो चीज़ों में इंसान कोमा में भी जा सकता है इस थैलमस के डैमेज होने की वजह से तो आई होप क्या कोई समझ में आया कि थैलमस क्या होता है इसके क्या फंक्शंस हैं और क्या इंपॉर्टेंस है अब नेक्स्ट और लास्ट चीज़ हम पढ़ेंगे हाइपोथैलमस के बारे में अब लास्ट है हाइपोथैलमस हाइपोथैलमस क्या होता है हाइपो हाइपोमीन्स बिलो हाइपो का मतलब क्या होता है बिलो नीचे हाइपोथेलमस इज लोकेटेड बिलो द एंटेरियर थैलमस जो हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर थैलेमस के नीचे लोकेटेड है इट इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन वेइंग अबाउट सेवन ग्राम्स ओनली ये ब्रेन का काफ़ी स्मॉल पार्ट है जो कि सिर्फ सात ग्राम का होता है डिस्पाइट द स्मॉल साइज़ इसके स्मॉल साइज के अलावा इट इज़ फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट ये मतलब नहीं कि इसका साइज मॉल है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है इट हैज़ थ्री इंपॉर्टेंट निक्लाए इसके दो इंपॉर्टेंट निक्लाए ती, हाँ, तीन तीन इंपॉर्टेंट निक्लाये इसके अंदर है नोन एज सुप्रा ऑप्टिक निक्लाय पैरावेंट्रिकल निकलाया एंड द मैमिलरी बॉडीज द मिड पोर्शन गिव राइज अटॉक नोन एज इन फंडेबल दैट इज कनेक्टेड टू द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. तो जो हाइपोथलमस है, है इसमें तीन जो है मेन निक्लायर है इंपॉर्टेंट निक्लायर्स जिसमें सुपरऑप्टिक निकलाया है पैरावेंट्रिकल निकलाया है और मेमुलरी बॉडीज हैं ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट निकलायर्स हैं अब आगे द मिड पोर्शन गिव राइज टू अ स्टॉक नोन एज जो इसका मिड पोर्शन है वो मिड पोर्शन क्या करता है गिव राइज टू अ स्टॉक ये एक स्टोक को राइज करता है यानी कि जिसका मिड है इसमें से एक स्टोक राइज होता है नोन एज इन फंडेमिल दैट इज कनेक्टेड टू दी जिसे हम इन भी कहते हैं उस स्टोक को हम क्या कहते हैं इनफंडिबुलम दैट इज कनेक्टेड टू दी पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है दी हाइपोथैलिमस इज रिस्पॉसिबल फॉर दी सर्वाइवल एज वेल एज इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लाइफ को अच्छे से इन्जॉय करवाए जिंदगी जी सकें उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंस इट लिंक्स द न्यूरो नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम इट कनेक्ट्स द माइंड एंड द बॉडी यानी कि सिंस इट लिंक्स द नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम ये जो हाइपोथैलेमस है हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को दोनों को कनेक्ट करता है दोनों के बीच में एक लिंक बैठाता है दोनों को कनेक्ट करके रखता है इस वजह से इट कनेक्ट्स द माइंड एंड दी सोल इस वजह से हमारी माइंड को और जो हमारी बॉडी है जो सोमा है हमारी बॉडी है उन दोनों को कनेक्ट करता है इस वजह से ये हमारी जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के इंजॉयमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है द मेमील बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फैक्ट्री सेंसेशन अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जो हाइपोथैलेमस है इसमें क्या है तीन मेन तीन इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस हैं तो इन न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्ट्स कौन कौन से हमने पढ़े थे कि सुपर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर पैरावेंटिक न्यूक्लिया और मेमुलरी बॉडीज तो अब हम इसमें पढ़ रहे हैं दी मेमलियर बॉडीज के बारे में जो मैमुलर बॉडीज हैं इनके बारे में पढ़ेंगे जो मेमुलर बॉडीज है क्या रहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑल फैक्ट्री सेंसेशन ये ऑल फैक्ट्री सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इट ऑल्सो फंक्शनस एज प्लेजर सेंटर इसे प्लेजर सेंट ये एक प्लेजर सेंटर की तरह भी परफॉर्म करते हैं सैटिस्फाइंग वेरियस ड्राइव्स एज ईटिंग हंगर स्लीप एट्सट्रा सेटिसफैक्शनी मतलब हमें जिन भी चीज़ों सेटिसफैक्शन मिलता है उन सब उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ये मेमुलरीज बॉडीज ये मेमुलरी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती है ऑल फैक्ट्री सेंसेशन के लिए और हमारी जितनी भी जितनी भी सैटिस्फैक्शन प्लेजर्स हमें जिन चीज़ों से मिलते हैं उन सबके लिए हाइपोथलमस अल्सो रेगुलेट्स ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इंटीग्रेट्स ओन रिस्पॉन्सिस मेड बाई दटोनॉमिक रिसेक्टर्स तो हाइपोथेलिस और क्या करता है हाइपोथलिस ऑटोनोमिक एक्टिविटीज जितनी भी होती है ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे हार्ट रेट ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन डाइजेशन ये जितनी भी प्रोसेस होते हैं जो पैरिफेरियल नर्वस सिस्टम में हम आगे बढ़ेंगे उन सबको भी रेगुलेट करता है ऑटोनोमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है एंड इंटीग्रेट्स ऑल रिस्पॉन्सेज और जितने भी रिस्पॉस होते हैं उन सबको इंटीग्रेट करता है इकट्ठा करता है मेड बाई ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स जो कि ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स द्वारा रिसीव करे जाते हैं इट रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हॉमोन्स रिलीज होते हैं उन्हें भी रेगुलेट करता है इट फंक्शंस एज दी रियल सेंटर ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द सेरिबल क्रोटेक्स एंड द ऑटोनॉमिक सेंटर्स और ये किस ये इसका एक और फंक्शन है हाइपोथैलेमस का कि ये एक रिले सेंटर की तरह भी काम करता है ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द सेरेब्रल कॉट्रेक्स एंड ऑटोनॉमिक सेंटर्स जो सेरेब्रल कॉट्रैक्स है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ऑटोनॉमिक सेंटर्स इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम भी हाइपोथैलेमस करता है इट ऑल्सो मेंटेन्स वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में वाटर वाटर को बैलेंस करके रखता है एंड कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ ऑल बॉडी सेल्स एज इट रेगुलेट्स दी एंटोक्राइन ग्लैंड क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है जो हमारी बॉडी का एंडोक्राइन ग्लैंड है उसे भी रेगुलेट करता है इस वजह से हमारी बॉडी में जितने भी बॉडी सेल्स हैं उन सबकी फंक्शनिंग को ये कंट्रोल करता है सिंस हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स अराउजल और अलर्टिंग मैकेनिज्म इट हेल्प्स टू मेनटेन दी वेकिंग स्टेट जो हाइपोथैलमिस है वो अराउजल को भी रेगुलेट करता है और एक अलर्टिंग मैकेनिज्म है इट मेनटेन्स इट हेल्प्स टू मेंटेन दी वेकिंग स्टेट और जो हमारी जागने की जो स्टेट है जो वेकिंग स्टेट है उसको भी ये मेंटेन करके रखता है इफ देर इज एन डैमेज टू दी हाइपोथेलेमस अगर हाइपोथेलिस में कोई भी डैमेज हो जाता है तो उससे क्या होता है इट कॉजेज अ वेरिएशन इन दॉडी टेम्परेचर हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो सकता है एंड इट इंक्रीज अबव एंड इट इंक्रीजेज अव द नॉर्मल लेवल और ये नॉर्मल लेवल से अबव भी जा सकता है नॉर्मल लेवल से ऊपर भी जा सकता है हमारा टेम्परेचर अगर हमारा जो हाइपोथेलेमिस है उसमें डैमेज हो जाता है तो तो ये था हाइपोथैलेमस और इसी के साथ हमने फोर ब्रेन को पूरा कवर कर लिया है तो हमने इस वीडियो में ब्रेन और फोर ब्रेन के क्या फंक्शन है क्या स्ट्रक्चर है कौन कौन से पार्ट्स हैं उन सबके बारे में डिस्कस करें उन सबको पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में हम मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन को भी पढ़ेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में प्लीज़ अपना फीडबैक अपनी जो क्वायरीज है वो जरूर लिख करके दें क्योंकि आपके कॉमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें